खबर राजधानी जयपुर से, होना था डिस्चार्ज, मिली मौत की खबर। आपको बता दें कि मणिपाल हॉस्पिटल की घोर लापरवाही यहां पर सामने आई है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने यहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। क्रशर मशीन से कटा युवक का पैर, बैनार निवासी किशोर सैनी का पैर कट गया था। परिजनों ने मणिपाल हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया। पिछले 4 दिनों से अस्पताल में ये मरीज भर्ती था। डॉक्टर ने मरीज की हालत में सुधार बताया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसके साथ ही डिस्चार्ज की बात भी कही। फिलहाल अभी मरीज किशोर सैनी की मौत हुई है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है, तो वही अस्पताल ने 4 लाख रुपए का बिल अब उन्हें थमा दिया है। सूचना पर विद्याधर नगर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने परिजनों के साथ में समझाइश का यहां पर प्रयास किया है। राजधानी जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, यहां पर एक अनोखा वाकया देखने को मिला। एक मरीज को जहां पर डिस्चार्ज होना था, लेकिन उसी की मौत की खबर आई। दरअसल एक किशोर सैनी नाम का युवक, जिसके एक्सीडेंट में पैर कटने की बात यहां कही जा रही है, मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती था। डॉक्टर्स ने कहा भी कि उसकी हालत में सुधार है और डिस्चार्ज भी करने की बात कही गई, लेकिन अंततः उसकी आज मौत हो गई। उसके बाद भी 4 लाख रुपए का मोटा बिल उसके परिजनों को थमा दिया गया। परिजनों के द्वारा बेटे की मौत पर और साथ ही में इस बिल का जब उन्होंने भुगतान की बात कही, तो साथ में यहां पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया है परिजनों ने और आक्रोश देखने को मिला। कहा जा रहा है कि मणिपाल हॉस्पिटल की घोर लापरवाही इस पूरे वाकये में सामने आ रही है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने वहां पर हंगामा किया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, क्या ये पूरा मामला रहा? हाँ देखिए जैसी, बिल्कुल ये रविवार की घटना है, जब एक युवक है जो बेनार का रहने वाला था, अचानक से क्रेशर मशीन में आकर के जब उसका पांव कट जाता है, तो जो परिजन है तुरंत जो विद्याधर नगर पर इस जो मरीज है जिसका नाम है किशोर सैनी, उसको यहाँ पर भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने के बाद यहाँ पर डॉक्टरों से जब बातचीत करते हैं तो परिजन, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि मरीज को यहाँ पर उसको तुरंत लाभ मिलेगा। उसके बाद लगातार जो मरीज थे, जो परिजन थे, वो इंतजार करते रहे कि कब उनका जो भतीजा है जिसका नाम किशोर सैनी है, वो सही होकर के वापस डिस्चार्ज किया जाएगा उसको। लेकिन जब अचानक से लगातार जो परिजन बातचीत करते हैं, तब से डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको बुधवार को छुट्टी दे दी जाएगी। मगर आज अचानक से जैसे डॉक्टर यहाँ पर बताते हैं कि उसकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आती है कि अचानक से जिस मरीज को छुट्टी देने की और डिस्चार्ज करने की बात जो डॉक्टर करते हैं, अचानक उसकी मौत हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर जो तमाम जो परिजन थे वो बेहद आक्रोशित हो गए और उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर आरोप लगाए और साथ में हंगामा मचाते हुए जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर परिजनों का आरोप है कि जो अस्पताल प्रशासन ने उनको गुमराह किया और मरीज से मिलने तक नहीं दिया। जैसी एक बड़े हैरानी की बात है, जिसका मरीज अस्पताल में भर्ती है, अगर उसको परिजनों से मिलने नहीं दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही को भी उजागर करता है, क्योंकि जो डॉक्टर ये कहते हैं कि उसको डिस्चार्ज किया जाएगा और अचानक से उसका पांव कट जाता है, पांव कटने के बाद अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि आखिरकार मरीज की मौत कैसे हो गई। एक हैरानी वाली बात ये भी है कि सुबह यहाँ पर जो डॉक्टर है उन्होंने परिजनों को जो इलाज का जो खर्चा था उसका 4 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा। परिजनों ने यहाँ तक कि जो पैसा है 4 लाख रुपए का वो जमा भी करा दिया, बावजूद इसके मरीज को लाभ नहीं मिला और उसमें कोई सुधार नहीं और अचानक उसकी मौत हो गई। तो ये है डॉक्टर की जो कार्यप्रणाली है, उसका कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची है, क्योंकि अस्पताल में लगातार हंगामा हो रहा था पिछले 3 घंटे से। विद्याधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और यहाँ परिजनों की ओर से एक जो पुलिस अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कराए जाने की यहाँ पर सूचना है हमारे पास, चूंकि लगातार कागजी कार्रवाई चल रही है, तो परिजन यहाँ पर जो है अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। वहीं जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है कि जो परिजन है उनकी ओर से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर उल्लंघन किया गया और लगातार रोक के बावजूद यहाँ पर हंगामा किया। तो कुल मिलाकर के बड़ा बखेला यहाँ पर सामने आया है, जिसको लेकर के पुलिस है जो फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया यादवेंद्र।